Do yourself to the cheese board. Remember, we had it last time. I said, I want one more. बिलाल ये क्या कह रही है आप ही अयान ये देखो शर्मा क्यों रहे हो अयान भाई कर दो ऐसे कर दो ऐसे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका, कैसे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल जी मौसम जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुहाना है, धूप निकली हुई है और बहुत ही मज़े का मौसम है, तो हमें और कुछ नहीं सूझता जी, हम भागते हैं सीधे बारबेक्यू की तरफ। तो यहाँ पे बस ये मेरी सिस्टर लॉ है, उन्होंने कहा जी आ जाएं सारे, मैं खाना बना रही हूँ, बारबेक्यू कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ने साथ में बना ली बिरयानी और वो भी बना के ले आए बिरयानी, और फिर साथ में देखे जी माशाल्लाह लज़ानिया भी पड़ा हुआ है टेबल पर, हर चीज़ थी माशाल्लाह, हमने खूब खाने को इन्जॉय किया, खाया, एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, तो बहुत मज़ा आया। कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे कहा था कि मैं अपने जो बर्तन पाकिस्तान से आए हैं मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है पाकिस्तान से। एक इनमें टूट गया है और दो बच्चे हैं, ये बड़े वाले शुक्र बच गए, जो छोटे वाला था वो टूट गया। अच्छा जी, इसमें देखिए अभी तक शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये डिश का, इसका ढक्कन टूट गया, और ये है मेरे हाल में इसका है साइज में इसका कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं उनको बताते हैं जब आप लेते हो ना, तो एक ये बड़ा देश का है, मेरे ख्याल ये भी इसके ऊपर आ ही रहेगा वाले इस क्वालिटी एनी वे, और एक ये देश का है, ये कढ़ाई है, इसमें आप सालन भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, एक ये है, और ये बेसिकली चावलों के लिए है, ये एक मैंने बहुत मेरे हाल में कुछ ज़्यादा ही बड़े मंगा लिए अपनी तरफ से, मैंने काफ़ी छोटे मंगवाए थे लेकिन ये साइज बहुत बड़े बड़े हो गए, मैं तकरीबन इसमें आई थिंक 2.5 किलो गोश्त और 2.5 किलो चावल आ जाते हैं आई थिंक, और ये ज़्यादा डीप नहीं है तो इसमें चावल बड़े अच्छे बनते हैं, तो एक ये है, ये इतनी बड़ी पता नहीं मैंने क्या करनी थी, क्या सोच के मंगवाई है, इसमें 5 किलो चावल और 5 किलो आई थिंक आ जाते हैं गोश्त आ जाता है, तो ये भी चावलों के लिए है, ज़्यादा डीप नहीं, खुली है भी उसकी तरह ही है, तो ये स्टील है, ये देखिए रास्ते में आ गया, आगे बेचारा रास्ते में ज़्यादा ख़राब हो गया, पर बड़ा रास्ते कोई बात नहीं, ये इस तरह इसका काफ़ी बड़ा सा देशका बन जाता है इस तरह, और इसके साथ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने दो मंगवाए थे कॉपर के, तो कम्प्लीटली ख़राब हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल ढक्कन ख़राब हो गए हैं, रास्ते में पता नहीं ये टेढ़ा मटेढ़ा हो गया इसका सारा, और कलर पर भी काफ़ी पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही, ये देखिए देखते हैं बनाने के लिए, इसमें मैं इस तरह बहुत जल्द कुछ बनाऊंगी ईद के लिए, ये मैंने दो मंगवाई हैं, एक ही साइज़ की हैं दोनों, ये दोनों इनके पड़े हुए, देखिए हाँ ये देखिए टेंशन है इसमें टूटे हुए टुकड़े इसके शीशे के, तो ये दो मंगवाई हैं मैंने, तो ये है मेरे बर्तन, जो अभी मेरा एक मसाले वाला डिब्बा भी है वो पाकिस्तान रह गया है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आ जाएगा, एक दो महीने के अंदर ही कोई आएगा तो उनसे मंगवा लूँगी, तो ये है मेरे बर्तन, मैंने चलिए मैं आपको दिखा दूँ, ये जी पैकेज आया है हमें टेमो की तरफ से, पता नहीं क्या क्या मेरे हस्बैंड मंगाते रहते हैं, तो ये देखते हैं इसमें क्या आया भाई, बताए बगैर उन्होंने मंगाया, मैं चेक करना चाहती हूँ क्या मंगवाया, तो देखें अभी इसको खोल लूँ पहले, ये है जी इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये है जी, ये इसमें कीज़ वगैरह रखने के लिए, और साथ में ये लेटर वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं आप, ये बड़ा प्यारा बना हुआ है, तो इसके पीछे ये भी लगे हुए हैं, आप दीवार पे लगा लें, और ये है कि आपको बार बार चाबियां ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, तो ये आपकी चीज़ें महफूज रहती हैं, जो लेटर आए आप इसमें रख लें तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से ना, ये अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। दूसरी जी ये है इसमें आई थिंक ये शावर में लगाने के लिए मेरे हस्बैंड ने मंगवाई है आई थिंक, क्योंकि ये जो है इस तरह ये स्टिक हो जाती है क्योंकि, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर आपने ड्रिल वगैरह नहीं करना तो ये सक कर लेता है, इसके अंदर चला जाता है, ये पैड से इसमें बने हुए हैं, तो ये सक्शन पैड बने हुए हैं, ये आप इसके अंदर लगाएं और इसको दीवार के ऊपर लगा दें, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो प्लास्टिक का, लेकिन अच्छा लग रहा है, तो ये भी अच्छा है वैसे। अच्छा इसमें लिखा हुआ है आयतल कुर्सी लिखी हुई है, तो ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, ये मुझे लगता है दीवार पर लगाने के लिए, छोटी छोटी काफ़ी चीज़, ये है कोई, ये है बाथ मैट है, वाटर प्रूफ आई थिंक लग रहा है मुझे, ये है
ठीक है ये भी नॉट बैड। और इसके अलावा जो है इसमें आई थिंक टॉयलेट ब्रशेज हैं, ये वैसे गुड है कि अगर आपका जो है टॉयलेट ब्रश जो है वो बहुत गंदे हो जाते हैं जल्दी और देखा जाए तो बड़े जरासीम वगैरह भी, तो ये आप सस्ते सस्ते मंगवाएं यहाँ से और आप थोड़ी देर इस्तेमाल करें और फेंक दें। फिर ये सोप रखने के लिए ये भी अच्छी है वैसे, ये काफ़ी अच्छी है वैसे इनकी ना, ये हमारे पहले भी शावर में लगी हुई है तो ये इसके साथ ये भी आता है, इसके साथ आप स्टिक कर दें दीवार के साथ, आपको कोई ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। और ये भी देखिए बीच में सुराख बने हुए हैं तो ये है कि पानी नीचे चला जाता है तो सोप जो है वो ज़्यादा गलता नहीं है, तो ये भी अच्छा लगा मुझे, दिस इज़ गुड। और इसके अलावा जो है एक दो चीज़ें और हैं लेकिन उनकी मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या हैं। और ये है जी ओके ये क्या है, ओह वाओ ये नाइस है, अच्छा ये शीशे का लग रहा है मुझे और समझ नहीं आ रही प्लास्टिक का शीशा है, प्लास्टिक आवाज़ शीशे की तरह आ रही है, लग प्लास्टिक का रहा है पता नहीं, लेकिन ये भी अच्छी है। ये तकरीबन मेरे हस्बैंड ने 4 मंगवाए हैं, ये 4 का सेट है तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, ये अच्छे लगे हैं सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगे हैं। अब प्राइस का तो मुझे पता नहीं, देखा आपको आवाज़ से पता चलेगा कि ये शीशे के लग रहे हैं लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के हैं, वो वहाँ पे थोड़ी महंगी है चीज़ वो थोड़ी अच्छी है और जो सस्ती है ऑब्वियसली फिर वो सस्ती है फिर वो इतनी अच्छी नहीं होगी, मैं इनको नीचे गिरा के तोड़ ना दूँ, जैसे हमने टायलें लगवाई हैं हर चीज़ जो भी नीचे गिरती है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये देखिए 4 ये है, लास्ट वन ये है मेरे हाथ में, हमें हमें गिरा ही ना दूँ, ऐसे मुझे शीशे के लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इनकी। जैसे 4 का सेट है तो काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे, तो इसमें चाय बना के पीती हूँ अभी, आपको भी आप मुझे देखेंगे इसमें चाय पीते, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कप ना, इतना डीप नहीं है देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये मेरी भाभी भी आती है वो भी हमेशा कहती है कि बड़े कप हैं आप लोगों के घर में, पाकिस्तान में आपको पता छोटे कप में चाय पीते हैं, तो ये उनको बना के दूँगी। जी मैंने चटनी ट्राई की है, इसका रिव्यू जो है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा इंशाल्लाह कि ये अच्छी बनी है या बुरी बनी है। ये एक बहुत मशहूर टिकटॉकर है मदीहा, उनकी मैंने रेसिपी ट्राई की है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। तो अब लूँगी आपसे इजाज़त और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।